सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम गांव द्रमखेड़ी जिला हिसार भाई सुरेंद्र खरब के खेत में आए हुए हैं और मेरे साथ हैं आशीष सिंधु गांव खांडाखेड़ी, अंकुश शर्मा गांव कुडल और भाई दीपक द्रमखेड़ी से। भाई सुरेंद्र जी बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं। भाई सुरेंद्र ने 8 एकड़ में खरबूजा और तरबूज की खेती कर रखी है और पिछले 5 साल से ये खेती कर रहे हैं। बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान जिला हिसार के भाई सुरेंद्र खराब ने नो न्यू सीड की बॉबी और मुस्कान वरायटी खरबूजे की लगा रखी हैं। ड्रिप इरीगेशन पे बेड बना के मल्चिंग बिछा के खेती करते हैं और सर्दी के सीजन में इसको प्लास्टिक की सीट लो टनल टेक्नोलॉजी से ढक के सर्दी से बचा के खेती करते हैं। भाई खरबूजे के पौधे घरौंडा करनाल ज़िले में हरियाणा सरकार का जो प्रोजेक्ट है उसमें पौधे तैयार करवाते हैं, वहाँ से ट्रे में लाके यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग करते हैं और फिर इसमें स्प्रे और खाद ड्रिप से देंगे और बहुत ही शानदार खरबूजा तैयार करते हैं। भाई सुरेंद्र खरब से बात करते हैं, खरबूजे का अनुभव किसानों को शेयर करते हैं। सुरेंद्र जी आप कितने साल से खेती कर रहे हैं? 5 साल से लगातार। खरबूजा कौन सा लगाते हो? बॉबी ताइवान। अभी इस साल कितने एकड़ में कर रखा है प्रोजेक्ट आपने? 8 एकड़। 8 एकड़ में इस साल कर रखा है। कौन से महीने में लगाए थे खरबूजे आपने? ये जनवरी फर्स्ट वीक में खेत में लगा दिए थे और खेत में लगाते ही ढकने का काम शुरू कर दिया था। ठीक है, तो बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान भाई सुरेंद्र खरब ने अपना अनुभव बताया कि सर्दी से बचाने के लिए ढकते हैं और पौधे लगा के उनमें स्प्रे और खाद का काम शुरू करते हैं। साथ ही गाँव के किसान भाई आशीष सिंधु जी बहुत ही प्रोग्रेसिव किसान हैं, युवा जुजारू हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर के पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं और इनके बड़े भाई मास्टर कुलबीर जी वो हरियाणा सरकार में एक टीचर के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो सभी किसान भाइयों को दिखाना चाहता हूँ नोट लो टनल टेक्नोलॉजी पे जो प्रोजेक्ट आजकल लग रहे हैं उनमें इन दोनों किसानों का बहुत बड़ा नाम है। बहुत ही अच्छी तकनीक, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अभियान है जो किसान की आय को डबल करने का, उस योजना के हिसाब से भाई सुरेंद्र खरब जी बहुत आगे निकल गए हैं। इनके अनुमान से किसान की आय डबल ही नहीं बल्कि 4 गुना हो रही है। 1 किले खरबूजे लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए पैदावार लेते हैं और बहुत ही छोटे से सीजन में सर्दी का जो 3 से 4 महीने का पीरियड है इसके दौरान बहुत ही अच्छी खेती करते हैं और जो तकनीक भाई ने यूज कर रखी है वो आसपास के किसानों के लिए एक रोल मॉडल का काम करती है। जो भी ये किसान साथी वीडियो देखें इस खेती से सीखने की कोशिश करें और खेती को बढ़ावा देने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गा।